अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूँ रिदा संधू। मरकज़ी अमीर जमात इस्लामी सैनेटर सिराजुल हक ने फैसलाबाद के जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान तब्दीली एहतसाब के नाम पर आए थे, जिनका एहतसाब होना था, वो पीटीआई में शामिल हो गए। हमारे सीनियर रिपोर्टर मिर्ज़ा हारून की तफसीलात के मुताबिक उन्होंने अपने खिताब में मज़ीद कहा कि इमरान खान का तर्ज सियासत मजीद बहरानों को जन्म देगा। यूटर्न लेने वाला मुल्क की बागडोर नहीं संभाल सकता, बुरी तरह नाकाम हो गया। उन्होंने कहा कि चंद खानदान दौलत के बलबूते पर पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री संगीन बहरान का शिकार हो गई, मुल्की मैशियत वेंटिलेटर पर चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में कई गुना इजाफा हो गया। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान बचाने निकला था जब पेट्रोल 65, चीनी 55, डीजल 75, घी 100, बिजली 8 रुपये और डॉलर 100 रुपये पर था। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियां IMF की पॉलिसियों पर मोहर लगा रही हैं। जमात इस्लामी ने इन मुआशी दहशत गर्दों के खिलाफ ऐलान जंग किया है। जमात इस्लामी ही अवामी उमंगों पर पूरा उतरेगी और महंगाई बेरोजगारी से निजात दिलाएगी। इस मौके पर नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, अमीर जमात इस्लामी पंजाब कसूरी, जिले अमीर जमात इस्लामी महबूबुज़ज़मान भट्ट समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया।